कोरोना महामारी के चलते पिछले 11 महीनों से सभी शिक्षण संस्थाएं पूरी तरह से बंद थे। अब जब कोरोना का कहर कम हुआ है तो सरकार ने सभी शिक्षण संस्थाओं को खोलने का भी निर्देश दे दिया है। ऐसे में सरकारी स्कूल खुलने के बाद अब निजी संस्थान भी बारी बारी से खुल रहे हैं। सरकारी विद्यालयों की अपेक्षाकृत निजी विद्यालयों के द्वारा कोरोना का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि निजी संस्थान फीस के नाम पर मोटी रकम वसूल करते हैं, जिससे उनकी जवाबदेही भी अधिक हो जाती है। लेकिन अमेठी जनपद के तिलोई तहसील में स्थित डीपीएस पब्लिक स्कूल के प्रबंधक संजय सिंह ने आज से विद्यालय खोलते हुए अभिभावकों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने कोरोना काल में बंद चल रहे विद्यालय को दृष्टिगत रखते हुए पिछले 10 माह की फीस को पूरी तरह माफ कर दिया है, जिससे छात्रों एवं अभिभावकों ने खुशी के साथ साथ राहत का भी अनुभव किया है। प्रिंसिपल प्रीति सिंह ने बताया कि हमारे विद्यालय के द्वारा बच्चों को सीधे प्रमोट नहीं किया जाएगा, क्योंकि कोरोना काल में कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई में बाधा आई है। बच्चों का सिलेबस पूरा नहीं हो पाया है, जिसके लिए अब स्कूल में उनको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद उनकी परीक्षा ली जाएगी, तब बच्चों को आगे की कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, जिससे उनके बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सके। आज जैसे ही बच्चे विद्यालय में आना शुरू हुए, विद्यालय स्टाफ के द्वारा थर्मल स्कैनिंग की गई तथा स्वयं प्रिंसिपल ने छात्र छात्राओं की आरती उतारते हुए उन पर पुष्प वर्षा कर उनको विद्यालय में प्रवेश दिया। कक्षा में भी सामाजिक दूरी का विशेष ख्याल रखा गया, एक सीट पर दो बच्चों को बिठाया जा रहा है। साथ साथ साफ सफाई तथा हाइजीन का भी विशेष ध्यान विद्यालय के द्वारा दिया जा रहा है। वहीं पर विद्यालय पहुंची कक्षा 4 की छात्रा वैष्णवी तिवारी ने बताया कि आज विद्यालय पहुंचकर हमको बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना काल में हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई करते थे, लेकिन उसमें समस्या आती थी। आज हम लोग एक साल के बाद विद्यालय आए हैं, हम लोगों को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मेरा नाम वैष्णवी तिवारी है और आज स्कूल आए हैं एक साल बाद, और आज आरती उतारी गई है हम लोगों की, और वो हम लोग क्लास 4th में पढ़ते हैं। और कोरोना में कैसे पढ़ रही थी आप? कोरोना का ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे। जब नहीं आता था आपको तब कैसे करते थे? मैसेज करते थे। अच्छा, आज स्कूल में आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन कुमार मिश्रा, मैं पिछले एक साल से डीबीएस पब्लिक स्कूल नरसतपुर तिलोई में कार्यरत हूँ शिक्षक में, और यहाँ पे मैं बच्चों को क्लास नर्सरी से 7 तक विद्यालय अपना है यहाँ पे मैं शिक्षण करता हूँ। और पिछले कोविड-19 के कारण हमारे बच्चे एक साल से की शिक्षा बाधित थी, वो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, जिस तरह से उनके लिए ऑनलाइन शिक्षण का व्यवस्था भी किया गया था, और काफ़ी बच्चों को उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोगों ने जोड़ा भी और उन लोगों को समय देकर मैंने पढ़ाया भी, और साथ ही साथ विद्यालय में भी मैं भी बीच बीच में आता रहा और यहाँ पे भी कार्यप्रणाली की जांच करता रहा, कैसे क्या पे हो रहा है, क्या कहाँ पे क्या होना चाहिए। और जिस तरह से सरकार के आदेश के बाद हम लोग विद्यालय समय समय पे खोल रहे हैं और सही समय पे सफाई आदि की व्यवस्था भी चेक कर रहे हैं कैसे क्या होना चाहिए, और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रख रहे हैं हम लोग। और हम ये भी चाहते हैं कि जितना मेरे बच्चों को नुकसान हुआ है, इन बच्चों को हम एक्स्ट्रा भी टाइम देकर हम अपनी पूरी पढ़ाई इनको करवाएंगे, और अगर आने वाले समय में इन लोगों को एक बेहतर शिक्षा दे पाएंगे। धन्यवाद। क्या नाम है आपका और किस पद पर है, और साथ में डीवीएस स्कूल में आज स्कूल खुला है, बच्चे आपके आए हैं, क्या व्यवस्था दी है आज आपने? जी, मेरा नाम प्रीति सिंह है और मैं यहाँ पर प्रिंसिपल हूँ इस डीबीएस पब्लिक स्कूल में, जिसके कि मैनेजर श्री संजय सिंह जी हैं। और आज 11 महीने बाद हमारा विद्यालय खुला है 4 मार्च को, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और स्कूल ने प्रबंध किया है पूरा, कोविड-19 के नियमों का पालन किया है, हमने पूरे स्कूल को बिफोर दैट पहले ही सैनिटाइज करवा दिया गया था, और मास्क मैंडेटरी कर दिया गया है, 6 फीट की जो डिस्टेंस है उसको हमने फॉलो किया है, बच्चों का चेकअप किया गया है प्रॉपर, उनकी हेल्थ हाइजीन का हमने पूरी व्यवस्था करी है, और पढ़ाई के लिए भी जो उनका लॉस हुआ था उसको हम फुलफिल करेंगे। जैसे कि सभी लोग प्रमोट कर रहे हैं बच्चों को अन्य कक्षाओं में, हम वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 11 महीनों में बच्चों ने ऑनलाइन कहा गया है, लेकिन कुछ ना कुछ परेशानियों की वजह से वो पढ़ नहीं पाए हैं, तो उनको हम हो सकेगा तो उनका जितना भी जनरल कुछ भी मिसिंग हुआ है उसे हम क्लियर करवाएंगे, और उनकी एक परीक्षा लेंगे, उसके हिसाब से उनको हम अगली कक्षाओं में प्रमोट करेंगे। और पिछले सत्र की जितनी भी फीसेस थी वो सब हमने उन्हें माफ़ कर दी गई है, केवल जनवरी से उनको फीस देनी है, वो भी उनकी ट्यूशन फीस ही उन्हें देनी है।